दूसरा क्या हुआ क्या नहीं नहीं अभी हीट ड्यूरिंग में जैसे सराउंडिंग है, सिचुएशन ऐसी जहाँ पे एनवायरनमेंट नॉर्मल नहीं है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रही है दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी ये बंदा अपने को अच्छे से पेश करता है और खुश रहता है उस जगह पे जहाँ पे उसमें डिपेंड करेगा ना। मतलब अब देखो ये हीट ड्यूरिंग है तो जहाँ आप खुश कहाँ रहते हो पहले बताओ, जहाँ आपका महत्व होता है वहाँ आप खुश होते हो, बड़ा सिंपल है, एक नेचर है, अचीवमेंट से हमें खुशी मिलती है और फेलियर से हम रोते हैं, चाहे कोई भी नॉर्मल साइकोलॉजी हमारी ये होती है। तो अगर आपको जैसे आपने क्रिकेट में छक्का मारा लेकिन आपकी हड्डी टूट गई, तो आप हड्डी को नहीं देखते, छक्के की खुशी मनाते हो, समझ आ गया पॉइंट? तो विक्ट्री हमेशा खुशी देती है। तो अब मान लो कहीं वातावरण में हमारा आर्गुमेंट चल रहा है, अगर उस वातावरण में वो अपने आर्गुमेंट ज्यादा पावरफुली दे पा रहा है, अपने को प्रूफ कर पा रहा है चार लोगों के ऊपर, तो वहां वो खुश होगा ना कि मुझको सिद्ध करने का मौका मिल रहा है, चार लोगों को नीचा दिखाने, वहां खुश होगा। पर लेकिन उसी हीट में अगर वो दब गया, हीट वातावरण तो बहुत हॉट वाला है लेकिन बोल नहीं पा रहा, तो उसका तो उत्साह ठंडा पड़ गया ना, वहां वो चीयरफुल नहीं रहेगा, वहां फिर वही हीट उसके लिए चिल का काम कर रही है, जो उसके जोश को ठंडा कर रही है, तो जो जोश को ठंडा करे वहां पर वो ये रूब्रिक नहीं लगेगा, वही जो हीट वाला रूब्रिक है ये। तो चिल आपको ठंडा करके जमाती है, आपके उत्साह को कम करती है, उदास करती है, एक्टिविटी घटाती है, आपको आशावादी से निराशावादियां बनाती है, तो ऐसी जो भी नेगेटिव फीलिंग आपको देती है उनको चिल कहते हैं। तो उसमें फिर ये खुश रहता है तो वो चिल ड्यूरिंग आ जाएगा कि उस निराशावादी एटीट्यूड में भी ये खुश रहता है। तो लेकिन उसमें कम दवाइयां, कितनी है दवाइयां उसमें? 13 दवाइयां। 13 कम हो गई ना दवाइयां, क्योंकि जब निराशावादी चीजों में तो लोग खुश रह नहीं पाते ना, हमेशा जीत पे खुशी मनाते हैं, हार पे खुशी कौन मनाता है, तो इसलिए इसमें दवाइयां कम है। तो इसका मतलब है कि ये हार पे खुशी मनाने वाला एक अबनॉर्मल आदमी है, यानी वो अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लोगे ना, ये तो हार में खुशी मनाता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, बिल्कुल अलग हो गया ना, आउट ऑफ द ट्रैक, इसलिए उसका यूनिक हो गया, इसलिए दवाइयां कम हो गई इसके अंदर। सर चेयरफुल चेयर ड्यूरिंग में भी ओपियम है, चेयरफुल हीट ड्यूरिंग में भी ओपियम है, पर्सपिरेशन में भी ओपियम है, फेज आती चली जाएंगी ना, इसकी फेज आती चली जाएंगी। अभी आप देखो अफीम आप खाते हो तो पहले क्या होता है, नहीं नहीं अफीम से हमेशा ऊपर नहीं जाता आदमी, अफीम से हमेशा डल होता है पहले, जब उसका सेकंड रिएक्शन आता है तो वो उछलता है और फिर लास्ट में फिर डल होकर परेशानियां होती है तो फिर पड़ता है वो, तो तीनों अवस्था में वो खुश होता है वो। क्योंकि जैसे मान लो जो चाइना बॉर्डर पे जब लड़ाई हुई थी, जब हमारी पुराना 65 में कभी हुई थी, तो उनको अफीम खिला के चीनियों को अफीम खिलाया करते थे अपने मिलिट्री को लोगों, क्योंकि उसमें अफीम खाने के बाद वो हर हालत में खुश रहता है, वो उसकी टांग कट जाती थी, गोलियां लग गई हैं, बाजू टूट के अलग गिर गया तो फिर भी गोली चलाता रहेगा वो, तो उसको ये नहीं लग रहा मेरी बाजू कट के गिर गया तो एक हाथ से चलाता रहेगा वो, समझ आ गया पॉइंट? तो इसलिए ये खुश ही रहता है, तो इसलिए तीनों फेज में आता है, इसको कट गई फिर आ गया, फिर बाद में से पता लग गया मेरी बाजू कट गई है, थोड़ा डिप्रेस्ड है उसमें भी खुश है। तो हर चीज में, क्योंकि इसमें एक और रूब्रिक है कि ही इज मेकिंग एन एलोक्वेंट आर्गुमेंट, ऐसे कुछ है ना स्पीच में, एलोक्वेंट माने बहुत ही प्रभावशाली मैं स्पीच दे रहा हूँ। अब ये प्रभावशाली दे रहा है तो जनता बताएगी ना दे रहा है नहीं दे रहा, तो आपको लग रहा है मैं प्रभावशाली दे रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको अपने किसी भी चीज का इवेल्युएशन है ही नहीं, तो आप तो हमेशा ही अच्छा ही बता रहे हो ना अपने आप को, तो हीट हो चिल हो कैसा भी हो खुशी खुश है, तो इसीलिए ब्लिसफुल स्टेट है, तो आपको कुछ महसूस ही नहीं होता। तो रूब्रिक तो सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आगे आप समझ में? तो इसलिए वो तीनों जगह है, तो इसलिए एक रूब्रिक पर नहीं दे सकते। चेयरफुल विद डिस्ट्रक्टिवनेस में भी है स्पाइरल या सिंगल सिंगल है ना, डिस्ट्रक्टिव तो उसको अपना अपने ऊपर भरोसा अपना जोश होता है ना,
अभी जिस हाल अब खुद ही देख लो ना, जब आदमी खुद ही फैसले लिए, खुद ही उसमें दुखी हो रहा है, कल को खुद ही उनको तोड़ेगा, साले मैं नहीं करता, चलो बाबू ऐसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ मैं तो, दूसरी शादी करूँगा, वहाँ भी चीयर हो जाओ। सर विल कॉन्ट्रडिक्शन हम जनरली पेशेंट में कहाँ सर देखते हैं? विल पूरा रूब्रिक बताओ ना, विल कॉन्ट्रडिक्शन बस इतना ही रूब्रिक है? विल कॉन्ट्रडिक्शन है काफी सब रूब्रिक, लेकिन मेन जो पूरा रूब्रिक है वो विल कॉन्ट्रडिक्शन से होता है। विल कॉन्ट्रडिक्शन इज विल कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा ऊपर विल है तो उसके आगे कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्ट्रडिक्शन और उसके आगे दवाइयां है। हाँ ऐसे है ना। हाँ तो आप ये समझो ना विल होती क्या, क्योंकि कोई भी रूब्रिक हमको जब पढ़ना होता है तो हम पहले मेल से चलते हैं। जैसे पहले एक आदमी है, आदमी के बाद फिर वो मान लो मुसलमान है, हिंदू है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, फिर उसके वो वेरिएशन बाद में आते हैं। तो कम से कम पहले हमको ये जानना चाहिए कि आदमी है और आदमी के ये लक्षण होते हैं, तो इसलिए पहले हमको मेन हेडिंग को समझना होता है। अब मेन हेडिंग इसमें है विल, तो विल होती क्या है? विल डिजायर नहीं होती है, अर्ज नहीं होती है, विश भी नहीं होती है। तो विल एक कॉन्शियसनेस होती है कि ये मुझको करना है या ये नहीं करना, उसके अंदर की एक डीप सीटेड एक माइंड से जुड़ी हुई है उसके, कि ये मैं करना चाहता हूं, उसको हम विल बोलते हैं। मतलब एक गहराई तक उसकी इच्छा होती है, मतलब एक डीप इनबिल्ट डिजायर को हम विल कह सकते हैं। डिजायर जो होती है नॉर्मली वो सुपरफिशियल होती है, विल सुपरफिशियल नहीं होती, वो उसकी टोटल पर्सनैलिटी से जुड़ी होती है। तो अब दो चीजें हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। अकेली एक चीज ही अगर तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो नहीं सकता। तो कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ विल, इसका मतलब जो उसकी अपनी विल है, जो वो कुछ करना चाहता है, मान लो वो एलोपैथिक लेना चाहता है, तो उसकी विल है कि भाई मैं एलोपैथिक लूंगा, एलोपैथिक मतलब उसके नस नस में एलोपैथिक घुसी हुई है। अब लेकिन फिर कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स उसके अपोजिट करना है कि नहीं ये गलत है, ठीक है, कॉन्ट्रा माने तो उसके चीज को न्यूट्रलाइज कर दे। तो अब जब हम एलोपैथिक लेना चाहते हैं शुरू से ही, आज भी एलोपैथिक लेना चाहते हैं, लेकिन उसके दूसरी जो इच्छा आती है वो देखती है कि चार होम्योपैथी मरीज इसी बीमारी के होम्योपैथी से ठीक हुए हैं, एलोपैथी से नहीं ठीक हुए हैं, तो वो फिर उसके मन में इच्छा आती है कि अब मुझको होम्योपैथिक लेनी चाहिए इसके लिए, जबकि वो नस ने शुरू से एलोपैथिक सपोर्ट कर रहा है। वो अब दो भी इकट्ठी होगी ना, अब मैं होम्योपैथिक लूं या एलोपैथिक लूं, मैं हूं एलोपैथिक डॉक्टर हूं या एलोपैथिक सपोर्टर हूं, जिंदगी भर एलोपैथिक लेता आया हूं, होम्योपैथिक मुझको सूट करेगी या नहीं करेगी, और यार चार लोगों को तो सूट कर गई है। तो वो अपने आप से ही काट रहा है अपने आप को, यानी उसकी एक इच्छा दूसरी इच्छा को काट रही है। तो इसलिए इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ विल, मतलब वो फिर वो स्ट्रगल करता रहेगा, फैसला नहीं कर पाएगा फैसला, क्योंकि विल में जनरली प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो डिजायर्स में तो प्रिंसिपल वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, वो सुपरफिशियल होती है। तो अब वो कौन सी चीज है जो उसको उसने एक विल को पूरा नहीं होने दे रही, उसकी दूसरी विल है, और वो दूसरी विल वो होगी जो पहली वाली के बिल्कुल अपोजिट होगी, जो उसको करने से रोकेगी, और पहली वाली दूसरी विल को रोकेगी और दूसरी वाली पहली विल को रोकेगी, इसलिए वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, स्ट्रगल होगा उसके अंदर। तब अब जो इसमें दवाइयां हैं तो उनकी अपनी अलग अलग वजह होगी विल को कॉन्ट्राडिक्ट कराने की, कोई की प्रिंसिपल होगा, किसी के पास फाइनेंस होगा, किसी का कुछ होगा, किसी के पास स्पीड होगी कि भाई ये जल्दी काम नहीं करेगी वैसे। तो हर मेडिसिन की जो उसकी अपनी इनबिल्ट नेचर है, उसकी कारण वो उस दोनों विल या एक विल में डिसाइड नहीं कर पाता, नहीं यार होम्योपैथी को छोड़, ठीक है सारे मरीज सही होते हैं, पर मैं तो बचपन से एलोपैथिक लेता हूं तो मैं तो एलोपैथिक ही लूंगा, तो वो एक फैसला कर लिया उसने तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ, थोड़ी देर का लड़ाई हुई एक तरफ निकल गया तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन में एक चलता रहता है, जो पहले विल को दूसरा न्यूट्रलाइज करेगा दूसरे को, तो वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं होता है,
इसीलिए इसको फिर ज्यादातर रेमेडीज की इरेजोल्यूशन में भी चली जाएंगी। तो ऐसे ही लंबा स्ट्रगल चलता, कंफ्यूजन नहीं है उसको, ऐसा नहीं कि यार मैं क्या करूं कैसे करूं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको क्लियर कट विल में क्लियर कट उसके पास आइडियाज होंगे कि ये करने से ये गड़बड़ होगी। कंफ्यूजन में आइडियाज नहीं होती, मिक्सिंग होती है उसमें। यहां मिक्सिंग नहीं है, यहां उसको मालूम है कि एलोपैथिक फास्ट करती है, बचपन से मैं लेता आ रहा हूं, इसको एलोपैथिक लेनी चाहिए, अभी मुझे एलोपैथिक लेनी चाहिए। लेकिन जब वो देखता है कि एलोपैथी में तो इसका कोई भी मरीज आज तक सही हुआ नहीं है, तो उसको होम्योपैथिक लेनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक में तो 5 मरीज सही हुए। तो उसके पास एक लॉजिक है उस दूसरे विल के साथ चलने का, लेकिन उसके साथ चलने का 100% सपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरा अपोजिट भी साथ है, क्योंकि मैं तो एलोपैथिक लेता हूँ तो होम्योपैथिक आज क्यों लूँ। होम्योपैथ तो दो दर्जे के लोग होते हैं, एलोपैथी एडवांस होती है, मतलब कुछ भी वो अपना लॉजिक लगा सकते हैं। तो लॉजिक इसमें जरूरी होता है विल के साथ चलना। तो ये इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आपको, अब क्यों करेगा। पर फिर भी ये रूब्रिक जो है इस किस्म का नहीं होगा, इसमें ज्यादा दवाइयां होंगी, क्योंकि इस किस्म का नहीं है ये रूब्रिक जो इस पर हम पूरा फुल्ली सेलेक्ट कर सके रेमेडी को। लेकिन हाँ सपोर्टिंग है ये, तो इसमें काफी दवाइयां होंगी। कितनी है दवाइयां? 19 है ना। तो अब इनमें जो भी दवाई है उसका बेसिक जो नेचर होगा उसको इससे जोड़ोगे कि वो क्यों होता है, बिट्रेल के डर है, कौन कौन सी दवाइयां इसके अंदर, दूसरे लोग इसको डोमिनेट कर रहे होते हैं, लेकिन इसका बेसिक क्या है कि वो डिल्यूजन ही इज ग्रेट। क्या आप एक ग्रेट आदमी को डोमिनेट कर सकते हो? तो हालात ऐसे हैं कि उसको डोमिनेट होना पड़ता है, समझ आ गया। मान लो एक MCOM है, PhD है, अब उसके बेचारे के पास खाने को रोटी नहीं है, तो वो कहीं जॉब कर लिया उसने, छोटा सा PN का मिला, PN के कर लिया, तो PN के लायक नहीं है ना वो बॉस बनने लायक है। तो उसके दिमाग में तो यही रहता है बॉस, अब करना पड़ रहा है PN का काम, और PN को तो उसका बॉस उसको झाड़ेगा ही झाड़ेगा, ऑर्डर देगा, सब कुछ करेगा, उसको ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। तो लेकिन ये खुद डोमिनेट, इसका मतलब अब वो अपने आप को डोमिनेटेड फील कर रहा है कि भाई मैं हूं तो बॉस के लायक, और ये जो मेरा बॉस है तो 8वीं पास, पर मेरे ऊपर बॉस बना बैठा है। तो अब दो मिल बनेंगे, एक तो साले के मारो घुमा के बनता है बॉस, आई ना इच्छा चल बनी कि मेरे को, मैं PhD हूं और ये 8वीं पास है, बॉस बन गया तो पता नहीं क्या समझ रहा है, पर मारा तो फिर मेरी नौकरी गई। तो दो मिलों में कि मारू ना मारू, तो कॉन्ट्राडिक्ट होने हालत है। तो वो ऐसे चलता है, मतलब बेसिकली जो पूरी नेचर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय इसकी एक, ये थोड़ा सा उसकी नेचर को केवल एक ज्यादा अच्छे से एनहांस करके हमें समझा रहे कि उसका ये पर्सनैलिटी के कारण ये रूब्रिक भी होता है, मतलब टोटल पर्सनैलिटी को समझने में ये रूब्रिक मदद करता है, समझ आ गए। ऐसी बाकी दूसरी दवाइयां होंगी उनकी अपनी वजह होगी, मान लो एकोनाइट ही है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, घबराया हुआ है, आपने उसको बता दिया नहीं ठीक हो जाएगा, हमारे पास बहुत सारे मरीज होते हैं, उसको एकदम शांत हो गया वो, लेकिन 10 मिनट बाद ही उसको नजर आता है ना, अरे कैसे शांत हो जाएगा, पता नहीं कुछ गलती ना जाता, मेरे को जान चली जाएगी, उसने तो कह दिया। तो वो एक दो दिशाओं में निकलता है, अपनी ही इच्छा कि उस डॉक्टर से जुड़ा रहा हूं क्योंकि वो तसल्ली दे रहा है, सही दे रहा, उसको शांत कर रहा है, उसको समझ आ गई है, पर दूसरी क्षण आता है कभी बीमारी इतनी बढ़ी कल को तो नहीं हुआ डॉक्टर से तो क्या होगा। तो मेरी इच्छा तो है कि मैं फलाने स्पेशलिस्ट के पास चलता हूँ, और स्पेशलिस्ट के पास क्या होगा, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ उसके पास, ये तो मेरे को 10 साल से ट्रीट कर रहे हैं, मेरे को जानते हैं। तो इस तरह एलोपैथ के पास जाने की, सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने की दोनों इच्छाएं उसकी बनी हुई हैं। तो ये बहुत गहराई तक है ना, जो उसको मोटिवेट कर रही है उधर उधर जाने के लिए, जस्ट एक सुपरफिशियल नहीं है कि अभी चाय पीनी है या फलाना खाना है, ऐसे वो ऐसी नहीं, तो ये गहराई तक है जो उसकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर रही है, वो इसलिए इसको विल कहा जा रहा है ना कि डिजायर। तो ऐसे हर मेडिसिन की वजह अलग अलग होगी, लेकिन उसकी टोटल पर्सनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इस रूब्रिक के, समझ आ गया पॉइंट सर? ठीक है ना, देयर इज अ रूब्रिक एंटागोनिज्म विद हर सेल्फ,
एंटागोनिज्म विद हर सेल, तो उसमें इच्छा विच्छा की कोई बात नहीं होती है। रूबरी के इसमें एंटागोनिज्म दूसरा इससे जो मिलता जुलता है, रूबरी है हर सेल पे ना, ये हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, तो हर सेल्फ है क्रॉस रूबरिक क्या ये रूबरिक विल का विल कॉन्ट्रडिक्शन और विल का से मिलता जुलता है क्रॉस रेफरेंस कि एंटागोनिज्म विद हर सेल। इसमें दवाइयां शायद और कम होंगी, 28 है ज्यादा है इसके अंदर। तो अब एंटागोनिज्म मतलब किसी चीज का बिल्कुल विरोध करना, जैसे एंटागोनिस्ट होते हैं ना कि भाई हम इस मत के हैं तुम उस मत के हो, अगेंस्ट एंटी चलने वाले लोग होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टर एंटी में फर्क होता है, कॉन्ट्राडिक्टर उसको न्यूट्रलाइज करता है, एंटी जो लोग होते हैं वो बिना मतलब उसके आपको अगेंस्ट होते हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं है कुछ नहीं है। तो ये विद हर सेल्फ है, हर माने हर फीमेल के लिए होता है नॉर्मली, हर सेल्फ माने एक महिला है यानी वो उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेस स्ट्रेंथ है, जो फीमेल क्वालिटी होती है ना माइल्डनेस है, तो इमोशंस हैं, तो बहुत स्ट्रांगली एक दिशा में फैसला नहीं ले सकता है ऐसा बंदा, कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है, इमोशन से बंधा हुआ है, तो उसको उसके साथ वहां विल थी या इमोशन से जैसे प्यार है ड्यूटी है, तो वो लगता है कि मैं ऐसे करूं, पर करना वो नहीं चाहते क्योंकि उसका बैकग्राउंड उसको करने नहीं देता ऐसा। जैसे इसके अंदर मान लो हमारे पास ये एनाकार्डियम, इसमें दवाई दे रखी है सबसे पहली दवाई, तो एनाकार्डियम में दो चीजें साथ चलती है, एक तो ही हैज टू विल के दो इच्छाएं हैं, एक तरफ है कि एक कंधे पे एंजल बैठा है दूसरे कंधे पे डेविल बैठा है, एक कान में वो अच्छाई फूंकता है तो दूसरे कान में बुराई फूंकता है। तो अब उसको लेकिन फंडामेंटली वो भला करना चाहता है किसी को, तो अब उसको लगता है यार भला करूंगा, उसने तो मेरे को चार गालियां दी थी, क्योंकि जो एनाकार्डियम है विकेट डिस्पोजिशन में वो, यानी विकेट का मतलब होता है जो इधर की लगा उधर की लगा खुरापाती जिसे कहते हैं ना, जो दूसरे को किसी को भी शांति से नहीं जीने देता, सबका ब्रेकअप करा के इसको चैन पड़ता है तो एक किस्म का ये इस तरह का बंदा। तो लेकिन एंजल उधर बैठा है कह रहा नहीं नहीं किसी का यार सास की बहू से लगाएगा, बहू के साथ से लगाएगा, दूसरे घर तोड़ेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर उधर दूसरा डेविल उसके दिमाग में आते नहीं अगर सास बहू की तो तोड़ने में क्या है, अच्छा ही होना चाहिए। मतलब उसके अंदर अपने आप से यानी जो वो करना चाहता है अपने से ही लड़ रहा है वो, कि मुझको ये यार सास बहू की लड़ाई तोड़नी चाहिए, इसकी जोड़ी होती है सास है ही नालायक तो बहू से उसको जुड़ा दो, बहू जब इसको जूते मारेगी कितना मजा आएगा, तो क्या यार तो किसी का घर बर्बाद करने से क्या फायदा। तो ये अपने आप से ही सवाल जवाब कर रहा है, जो अपनी एक्शन है उसी को ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, उसको मतलब एक किस्म से बिल्कुल एक चीज को करते हैं कि कर लूं और दूसरा उसको लगता है कि ये ना करूं, समझ आ गया क्यों ना करूं, इमोशंस की वजह से या वो इमोशंस, इमोशंस पावरफुल है ना कि बुद्धि पावरफुल है, बुद्धि भी कहती है, इमोशंस तो कहती है लड़ा यार कोई नहीं उसको मजा आता है, लेकिन उसको फिर बाद में उसको दिमाग में जब दूसरा एंजल आता है दिमाग में जो दूसरी जो एक पावर उसको लगता है ना अंदर बैठी है, वो कहते नहीं नहीं लड़ाना अच्छी बात नहीं होती है, तो वहां भी इमोशन है कि लड़ाना अच्छी बातें नहीं होती है, किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती है, तो ये इमोशन से जुड़ा हुआ है अपने उस इमोशन बैकग्राउंड के कारण वो कोई भी काम जो करना चाहता है उसको करने से खुद को रोकता है, क्योंकि उसको वो काम गलत लगता है पर करना वो चाहता है और करने से उसको रोकना पड़ेगा अपने आप को क्योंकि उसको गलत लगता है, तो अपना ही विरोध कर रहा है। पॉइंट समझ आया, जैसे ऐसे और भी बहुत सारे सब्जी का ऐसा ही होगा इसके अंदर, तो बहुत सी दवाइयां हैं जैसे एनोनोलियम है, एंटी कार्ड ऑरम, जैसे ऑरम है ये वो भी तो एंटागोनिज्म हर सेल्फ है ना, क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड होता है, सबसे ज्यादा ड्यूटी उसको चाहिए, तो ड्यूटी में भी तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अपनी शुद्ध बुद्ध खोके वो लगा ही रहता है,
और उसको उसी में मजा आ रहा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जब उसको कहते हैं अरे पागल है लगाया जाता है सारा दिन, तो उसको लगता है अरे मैं क्यों करूं ड्यूटी, ये तो सब मेरे को ऐसे कह रहे हैं। उसमें एक रूबरिक आता है ना शायद सैडनेस इम्पोर्टेंट नहीं नहीं उसमें होता है कि वो फ्रेंड्स हैव लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस हिमसेल्फ ऐसे कुछ रूबरिक है उसके अंदर, कि जो दूसरे लोग हैं उसका वो लोग तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रख रहे हैं कि इस काम कर भी सकता है नहीं कर सकता है, तो उसको लगता है कि मेरे को अप्रिशिएट ही नहीं करा मुझे करने की क्या जरूरत है। तो फिर दूसरे दिमाग में आता है नहीं नहीं मुझको तो करना ही है मेरी ड्यूटी है ऐसे बैठ के नहीं खाना चाहिए, तो वहां भी एक इमोशन का पार्ट जुड़ता है। तो एक तरफ करना चाहता है और एक तरफ नहीं करना चाहता, तो जो करना चाहता है उसी को वो खुद ही रोकता है क्योंकि अंदर से उसको लगता है कि ठीक नहीं है। तो यानी लड़ाई उसकी अपने आप से है बिकॉज ऑफ इमोशंस। अगर रैशनल माइंड से सोचे तो एक जगह फैसला कर लेगा ना वो कि नहीं ये बाहर में जाए लोग क्या कह रहे हैं मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, पर ड्यूटी करना अच्छा होता है तो मैं ड्यूटी करूंगा चाहे जान चले जाए। तो रैशनल माइंड जो होता है वो आपको फैसले लेने में मदद करता है, मतलब फैसले हमेशा रैशनल माइंड से ही लिए जाते हैं, इमोशन से हमेशा बहका जाता है। जब बहकने का मतलब होता है ई का मतलब ही है ई मीन्स आउटसाइड, मोशन मीन्स मूवमेंट, यानी जहां आप अपनी पर्सनैलिटी से आगे बह जाते हो। जैसे प्यार में बह गए और वो कह रहे हैं यार तेरे से 20 साल बड़ी है वो लड़की, तू शादी करके क्या करेगा उससे, तो उसका वहीं प्यार आ रहा है। जैसे आजकल वो चल रहा है ना बिग बॉस वाला तो अब उसको क्या दिखा होगा नहीं दिखा पब्लिसिटी या पता नहीं क्या है वो, पर कोई भी यही तो कहेगा ना इसको क्या दिख रहा है इसमें है? उससे स्मार्ट कितने लोग हैं, उससे पैसे वाले भी ज्यादा हैं, पर उधर वो सेटिंग बन गई है उनकी, तो अपने टोटल जो फील्ड है उससे आगे निकल गई, इमोशंस आपको बहका देते हैं, तो वहां आप फैसला नहीं ले पाते हो अपने काबू में नहीं होते हो, तो रैशनल माइंड आपको रोक लेता है एक जगह। पॉइंट समझ आ गए? तो ये जो एंटागोनिज्म है इमोशंस की वजह से है। तो सब बोला बेसिक डिफरेंस एंटागोनिज्म और कंट्राडिक्शन का से थोड़ा फिर से बताइए। आप अगर इसका डिक्शनरी देखोगे तो डिक्शनरी में क्या निकलता है, एंटा एक होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है मैं आने आपकी बात को काट दी, जैसे आपने कुछ कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे किया तो इसने अच्छा किया, आप लोग ये कह रहे हो तो मुझको लगा कि ये अच्छा नहीं किया, तो फिर मैंने आपको ऐसा कुछ कहा कि जिससे आपकी बात नलीफाई होती, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आपको, अपनी सिद्ध नहीं करिए, आपकी को जीरो बना दिया, आपकी को असत्य सिद्ध करा कि भाई आने नहीं ऐसे नहीं, मतलब आप सामने वाला जो कुछ कह रहा है हम उसको एज इट इज नहीं मान रहे बल्कि उसको निगेट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। तो वहां एंटागोनिज्म में क्या होता है कि अपने अगेंस्ट जाना, मतलब आपको आगे बढ़ना है 4 कदम तो लेकिन आप पीछे 5 कदम बढ़ रहे हो, तो यहां किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी की बात को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे, तो दोनों में अंतर आ गया ना बिल्कुल ही। तो एंटागोनिज्म अलग हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन में तो जस्ट एक बात को अपोज चला जाना, अपोज भी जाने की जरूरत नहीं, क्रॉस लगा देना उससे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, और अपोज करने में क्या होगा आप कह रहे हो तो मैं उसको विरोध करूंगा कि आपकी बात सिद्ध ना हो पाए, तो वो अपोजिशन हो गया। और एंटागोनिज्म में तो यह है कि बिना किसी मतलब के हम करे चले जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत ही होता है, तो गलत ही होता है, ऐसे तो होता नहीं है गलत होता है, जैसे डिबेट में चलता रहता है ना बहुत सारे, जब वो एंकर जो होते हैं डिबेट करने वाले लोग जब अपनी बात को नहीं होते तो ऊंचा ऊंचा बोलने लगते हैं, तो वो एंटागोनिज्म में चले जाते हैं, फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं रहते। तो कॉन्ट्राडिक्शन तभी तक होता है जब वो तक कहते हैं नहीं नहीं ये आपने गलत किया, कांग्रेस ने भी ऐसे किया था, फलाने ने ऐसे किया था, तो वहां तक तो कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हैं, एंटागोनिज्म फिर वो आगे फैलने लगते हैं। तो यानी उसका एक किस्म का रास्ता एंटागोनिज्म है, किसी का रास्ता रोक लेना, उसके विरोध में जाना। तो सर जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट जो भी अपोजिशन पार्टी हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करती है, आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उसकी बात को चलने नहीं देते। अभी जैसे GST का मान लो कांग्रेस ला रही थी तो बीजेपी विरोध करती थी, अभी बीजेपी खुद ही ले आई है तो कांग्रेस विरोध कर रही है GST का, क्योंकि पहले वो खुद ही ला रही थी, तो ये क्या हुआ उनका कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब उस सामने वाली बात को कट कर देना कि नहीं ये ठीक नहीं है। आगे समझ एंटागोनिज्म में तो यह है कि GST की जगह मैं ये वाला लाऊंगा ये ठीक होता है, तो उसके रास्ता रोक दिया उन्होंने, दोनों में अंतर आ गया। पर ये उतने उतने मतलब डिपेंडेबल रूब्रिक नहीं है
कि जिन पे हम मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन बेस कर रहे हैं, मेडिसिन को नेचर को समझने में ये रूबरिक मदद करते हैं। ठीक है, पॉइंट नहीं कुछ कर ले पड़ा, क्योंकि ये सारा जितना भी होगा ये तब होता है जब एक पर्टिकुलर केस लेके चलते हैं, तो वहाँ तो हम समझा सकते हैं देखो पेशेंट ने ऐसे लिखा, तो यहाँ तो थ्योरेटिकल भी समझना जरूरी है। क्या है रूबरिक? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड और एक है एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बरेसमेंट। हाँ, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बरेसमेंट। अब आप इसको देखें थोड़ा सा, रूबरिक पहला लेते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बरेसमेंट। कैंट रिपोर्टरी में क्या था रूबरिक? एलिमेंट आफ्टर। तो अगर इसकी मान लो ट्रांसलेट करें तो क्या बनता है इसका हिंदी? एम्बरेसमेंट एलिमेंट्स आफ्टर, मतलब एम्बरेस आफ्टर एलिमेंट। क्या हिंदी बनी इसकी? एलिमेंट के बाद, एलिमेंट्स आने के बाद एम्बरेस होता है। ठीक है, वो कैंट साहब का ओरिजिनल। तो अभी हमारे सॉफ्टवेयर वालों ने क्या किया है? एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बरेसमेंट, यानी वो पहले एम्ब्रेस होगा फिर एलिमेंट आएंगे। और कैंप साहब के अकॉर्डिंग क्या होगा? पहले एलिमेंट आ जाएगी, आके चली गई है, फिर एम्ब्रेस हो रहा है। क्या दोनों एक ही है? दोनों एक ही बात नहीं, तो गलत कौन? कैंप साहब गलत है या सॉफ्टवेयर गलत है? क्यों गलत हुआ? अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि कैंप साहब ने गलत काम किया, तो जाहिर बात है कि ये सर से। और फिर एक सिंपल एम्बरेसमेंट जो होती है वो बहुत डीप फीलिंग नहीं होती है, जैसे ह्यूमिलिएशन होता है, इंसल्ट होती है, मॉर्टिफिकेशन होता है। एम्बरेसमेंट बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है, एम्बरेसमेंट एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, एक अनइजीनेस जो सेल्फ कॉन्शियस होके होती है, यानी कुछ अपने नेगेटिव पॉइंट को लेके खुद के बारे में होती है। जैसे अगर एम्बरेसमेंट को आप देखिए कि अगर आपको किसी ने सवाल पूछा आपको जवाब नहीं आया तो आप थोड़ा सा लो सा फील करते हो, बस इतना ही करते हैं ना हम लोग। या दूसरा अगर हम देखें कि आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो जिस सोसाइटी में आप जा रहे हो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे कपड़े वाले लोग हैं, तो आप थोड़ा अपने आप को लो सा फील करते हो। उसको बहुत गहराई के अंदर शेमफुल नहीं होता वो आपके लिए, तो एम्ब्रेस बहुत डीप फीलिंग नहीं है ना। जब इतनी डीप फीलिंग नहीं है आपके पास तो उससे एलिमेंट कैसे पैदा होंगे? एलिमेंट पैदा करने के लिए जरूरी है कि आपके ऊपर चोट लगेगी, आपके दिमाग पे, विल पे, कहीं ना कहीं तो चोट पड़ेगी ना, तो आपको एलिमेंट आएगी। जब हल्की फुल्की सी आपको फीलिंग आएगी नेगेटिव फीलिंग, तो आपको अंदर तक तो नहीं हिलोगे ना आप, तो फिर एलिमेंट आएगी नहीं। तो इसका सीधा मतलब है कि कैंट साहब ने सही लिखा था, इन्होंने गलत लिखा है। पॉइंट आ गया समझ में आपको? तो एम्बरेसमेंट, जैसे मान लो आप शादी में घूम रहे हो, आप बड़े मस्ती मार रहे हो, इधर उधर मार रहे हो, सबसे मिल रहे हो जुल रहे हो, जोश है आपके अंदर एंजॉयमेंट जो शादी के माहौल का, फिर एक कोई आपकी सहेली आपको आके बताती है तेरी शादी के पीछे ना सब्जी लगी हुई है। अब आपका सारा जोश ठंडा हो जाता है, अब सारा दिमाग आपका उस सब्जी के पीछे, सब्जी का स्पॉट छुपाने में लगा रहता है, क्योंकि किसी की साड़ी पे सब्जी का स्पॉट होता नहीं है। पॉइंट समझ आ गया? अगर वही सीन होली वाले दिनों के आसपास हो, जिसमें सबके कपड़े फटे हुए रंगे हुए हैं, तो वहां आप फटे हुए रंगे हुए कपड़ों में भी एम्बरेस नहीं फील करते हो, पर क्या वही कपड़े आप शादी में पहन के जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। वहां सेम कपड़े हैं तो वहां एम्बरेस फील हो रहा है, वहां जॉय आ रहा है, तो यानी माहौल से बना ना। तो उस पर्टिकुलर जो एक लेवल है, उस लेवल से हम डाउन जब फील करते हैं खुद को, तब एम्ब्रेसमेंट आती है। आगे पॉइंट समझ में? तो ये हमारी अपनी फीलिंग है, और जो ओरिजिनल रूप था एलिमेंट के बाद, यानी एलिमेंट चली गई तो अब आपके पास उस एलिमेंट की कॉन्शियसनेस रह गई। अरे मुझको एसिडिटी बनती है, एसिडिटी तो चली गई, अब वो एम्ब्रेस हो रहा है। अरे मैंने क्या खाया था, कैसे होगा, आगे कैसे करूंगा इसको, अभी से मुझको है, यानी एक अनइजीनेस आने लग गई है एलिमेंट जाने के बाद।
आज उल्टा होगा ना सारा का सारा। तो लेकिन अब रूबरिक जो है वो है एलिमेंट फ्रॉम एम्बरेसमेंट, तो यानी इतनी गहरी हो गई कि एलिमेंट हो गई, तो ये रूबरिक बिल्कुल गलत है। पॉइंट समझ आ गया? तो इसलिए इसको हटा के वापस वहीं रखना चाहिए जहां ये कैंट साहब ने रखा हुआ था। अब दूसरा रूबरिक है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड कहते यार ये बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, आपने काला सूट पहना हुआ है और बिल्कुल ये लाल टाई लगा रखी है या हरी टाई लगा लिया है, ये क्या जच नहीं रही, मैचिंग सी नहीं हो रही, बड़ा अटपटा सा लग रहा है, बेढंगा अटपटा सा। जो अटपटा सा है वो ऑकवर्ड है, तो वो उसका अपना है, तो लोग उसको दूसरे कहेंगे ये ऑकवर्ड है। समझ आ गए? ओखा ओखा लगता है, ठीक सा नहीं लगता, यानी जैसे लगना चाहिए वैसा नहीं लग रहा है, जैसे जो फिटिंग होती है वो नहीं हो रही है। जैसे किसी की चाल है, बड़े आदमी आराम से चल रहा है, एक आदमी के एक पैर इधर मारा थोड़ा सा, थोड़े मतलब थोड़ा सा उस नॉर्मल से हट गया, जो देखने वालों को बड़ा अजीब सा लग रहा है, यार नॉर्मल कुछ बेढंगा सा लग रहा है वो, जिसको देख के अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो ऑकवर्ड कहते हैं ना, बड़ा ऑकवर्ड लगता है जी, आप किसी के सामने कुछ भी बोल देते हो, आगे पॉइंट समझ में, तो उस वक्त मेरी क्या हालत हो जाती है, तो वो बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, यानी बुरा बुरा सा लगता है, तो वो उसकी अपनी फीलिंग है, लेकिन यहाँ अपनी वैसी फीलिंग नहीं, ऑकवर्ड है, यानी वो खुद ऑकवर्ड है, दूसरे लोग उसको कहेंगे ये ऐसा है, ये उल्टे सीधे ढंग से बिहेव करता है, ढंग से बिहेव नहीं करता, पता नहीं कैसे चलता है, क्या ड्रेस सेंस है इसकी, क्या कैसा है, पॉइंट दोनों बिल्कुल अलग होगा ना। एम्बरेसमेंट खुद को होता है, ऑकवर्ड दूसरों को लगता है, तो ये तो दोनों में कोई भी समानता बची नहीं ना दोनों रूबरिकों में, तो दोनों अलग अलग हो गए। पॉइंट समझ आते? इसलिए ऑकवर्ड में बहुत सारी दवाइयाँ हैं और एम्बरेसमेंट में कम दवाइयाँ आई। तो जितनी इंसान की पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करने वाले रूबरिक होंगे उनमें हमेशा दवाइयाँ कम होंगी और उन पे सिलेक्शन अच्छा होता है। मतलब अगर वो रूबरिक मिल जाए, अगर हमें समझ हो उस रूबरिक की और वो रूबरिक मिल जाए पेशेंट में, तो मेडिसिन की एक्शन आना सर्टेन होता है हर हालत में, ठीक है? नहीं तो इसमें क्यों एम्ब्रेस होता है, 8-10 दवाइयां हैं ना एम्ब्रेसमेंट में, तो कौन क्यों एम्ब्रेस होगा, ये उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, कोई रिचनेस की वजह से होगा, कोई ब्यूटी खराब होने की वजह से होगा, कोई किसी और वजह से होगा, कोई बीमारी के बढ़ने से होगा, तो उनकी अपनी अपनी वजह है क्यों एम्ब्रेस हो रहे हैं वो लोग, ठीक है? तो वो उसमें फिर आगे के रूबरिकों में देखा जाएगा, तो आइसोलेट तो हो नहीं सकता, ठीक है? समझ आया? चेयरफुल हीट ड्यूरिंग, चेयरफुल ड्यूरिंग हीट, हाँ हीट ड्यूरिंग, हाँ वो ड्यूरिंग हीट हो ना, हाँ, एंड चेयरफुल पेन ड्यूरिंग, और दूसरा चेयरफुल पेन ड्यूरिंग, यानी चेयरफुल ड्यूरिंग पेन और चेयरफुल ड्यूरिंग हीट। तो फिर वही है कि रूबरिक को समझने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे अपनी मदर टंग में। तो पहले हम लेते हैं चेयरफुल ड्यूरिंग हीट, तो सबसे पहले कि वो चेयरफुल है, तो एक होता है चेयर खुश, एक खुशी से भरा हुआ। तो जब चीयर होता है, जैसे हम मान लो पार्टी शार्टी करते हैं, लोग शराब पीते हैं ना, चीयर्स मतलब जितना जोश है खुशी है उससे और ज्यादा हम खुशी में आ जाए, तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल हमारा खुशी का लेवल है अब वो उस ऐसी कंडीशन में आ गया जो बहुत ज्यादा खुश है, उछल रहा है किस्म का खुशी के मारे। कब उछल रहा है? आगे है वर्ड ड्यूरिंग हीट, यानी जब हीट होगी उसके अंदर तब उछलेगा। तो ड्यूरिंग तो समझ आ गया, हीट गायब तो उछलना खुशी गायब, चीयरफुल होना गायब, तो उसके चीयरफुल होने की शर्त है कि हीट होनी चाहिए। अब हीट माने बुखार होना चाहिए या गर्मी का सीजन होना चाहिए, समझ आ गया पॉइंट? क्योंकि जब गर्मी होती है, समर सीजन होता है, तो हीट तो बहुत होती है, वह तो वार्म चीयरफुल नहीं होते। अगर आप धूप में गर्मी के मौसम में 45 डिग्री में बाहर बैठोगे तो यू आर नॉट चीयरफुल, फिर तो आप डल होते हो। तो फिर हीट क्या है? कमरा गर्म होगा तब हीट होगा या तुम्हें नीचे गैस से उठा दिया जाएगा जब चीयरफुल हो गए? तो हॉट तो होगा तो भी खूब सारे, तो इसका मतलब फिर वहां
तो फिर हीट है क्या? अब मान लो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं एटम के, किसी भी पदार्थ के एटम एंड मॉलिक्यूल पार्टिकल्स कह लो, तो उनमें एक मूवमेंट रहता है, तो उस मूवमेंट के कारण आपके जो वो पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसे हम नाप सकते हैं, और उसमें कितनी हीट है ये नहीं नाप सकते। मतलब जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा हीट होगी तो उसमें ज्यादा टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसकी अगर लेटेंट हीट बहुत ज्यादा हुई तो वो टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर हीट लेता जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। समझ आ रहा है लेटेंट हीट माने क्या होता है? नहीं मालूम। लेटेंट माने छुपी हुई हीट, जैसे इसको कैलोरीज में नापते हैं। मान लो लेटेंट हीट वो होती है कि जो एक ग्राम पदार्थ को हीट करने, एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे मान लो पानी है, पानी को अगर एक ग्राम पानी का एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें 98 कैलोरी मान लो हीट चाहिए, तो हीट हमने ज्यादा दे दी ना, उसमें 98 दे दी। अब मान लो वो ही कॉपर है, एक ग्राम कॉपर ले लो, उसको अगर एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमारे को 45 डिग्री मान लो 45 कैलोरी हीट चाहिए, तो दोनों का टेम्परेचर तो एक डिग्री बढ़ा, पर एक में 98 कैलोरी हीट चली गई और दूसरे में 45 कैलोरी हीट चली गई। तो इसका मतलब है कि दोनों के अंदर हीट तो अलग अलग है पर टेम्परेचर सेम है, दोनों का अंतर समझ आ गया। तो टेम्परेचर का मतलब हीट नहीं हुआ ना फिर, तो हीट वो एनर्जी है जो आपके अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देती है। तो जैसे जैसे आप देखते हो, मान लो पानी को गर्म करते हो, दूध गर्म करते हो, कुछ और चीजें गर्म करते हो ना, तो उसमें एलिमेंट का मूवमेंट, जो उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ने लगता है, बढ़ता है ना, और बढ़ने के साथ साथ जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना एलिमेंट के जो एटम्स के बीच का फोर्स भी घटता जाएगा, दूर होते चले जाएंगे दूरी, और साथ ही साथ उनका मूवमेंट भी बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स के बीच की जो हार्मोनी थी वो भी खराब होती चली जाएगी। इसीलिए जब हमारे अंदर हीट बढ़ती है बॉडी में तब तब हम लड़ाई झगड़े करते हैं। चार दोस्त आपस में जो अभी प्यार कर रहे थे, अगर गर्मी का वातावरण बनता है तो हम चारों आपस में बात बात पे छड़ जाते हैं। तो हीट आपके अंदर एक्टिविटी देती है, जोश देती है, और जितना ज्यादा हॉट होते जलाओगे उतना मूवमेंट आपका ऑकवर्ड और टकराने वाला होता है, टकराव का रास्ता लेने लगता है। तो इसका मतलब चीयरफुल ड्यूरिंग हीट का मतलब हो गया, इसका मतलब जहां बहुत अधिक एक्टिविटी करता है ये, उसमें ये खुश रहता है। आगे समझ रहे आपको? और वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, इसके काम की भी हो सकती है, फ्रूटफुल भी हो सकती है, फिर फ्रूटलेस भी हो सकती है। तो मान लो एक मरीज है, उसको इलाज कराना है, तो अब उसका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है ये उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो 10 जगह दिखा रहा है इसलिए ठीक है वो कि नहीं मैं 10 जगह दिखा रहा हूं। अब नहीं दिखा पाता, 10 की जगह 4 जगह दिखा पाया, एक्टिविटी कम करी ना उसने, अब वो खुश नहीं है, चाहे वो 4 दिखा के 2 मरीज से 2 डॉक्टरों से ठीक हो जाए, पर भाग दौड़ तो हुई नहीं उसकी, तो वहां उसको मजा नहीं आता। तो हीट वो चीज है जो आपके अंदर एक्टिविटी कराने का जोश मादा देती रहती है, तो वहां जोश आता रहता है, वो मतलब कुछ एक्टिविटी चलती रहती है तो वहां ये खुश रहता है, इसको शांत बैठना अच्छा नहीं लगता। पॉइंट समझ आ गया? दूसरा रूप तुमने इससे बिल्कुल अपोजिट लिया, चीयरफुल ड्यूरिंग पेन, मतलब पेन होगा तो खुश होगा। तो ऐसा दुनिया में कभी होता है कि आपको पेन दे तो इससे तो अच्छा उसको बार बार रोज चाकू लेके काटो अपने आप को, तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी, तो फिर ये तो मेनिया हो गया अपने आप को, फिर तो इंजरी में क्यों नहीं डाला, इंजर सेल्फ इंजरी होता है तो वहां नहीं डाला हुआ, तो इसका मतलब इंजरी वाला पेन नहीं है ये, तो चूटी काट के भी पेन कर सकता है और थप्पड़ मार के भी कुछ भी कर सकता है पेन, तो पेट में दर्द इसका मतलब तो पेट दर्द हुआ तो खुश होगा वो, इसका तो यही मतलब निकलता है ना। तो फिर ये कौन सा पेन है जिसमें वो खुश है? अब आप देखो, आपको अगर कोई हाथ लगा दे तो कई बार देखा आप बच्चों को, उनको कोई छोटा बहन या बड़ा बहन
उसको छू देना, मम्मी मारा, इसने मेरे को मारा, इसने मेरे को मारा, है जोर से मारा, वही वो कवरी कर दी, ऐसे बच्चे चिल्लाते ना, वही बच्चा दौड़ता दौड़ता खुद गिरा और हाथ पर तोड़ लाया अपने, तो वो अब नहीं रोता है, उठ के खड़ा होकर फिर चल देता है। तो पेन पहले ज्यादा हुआ या अब ज्यादा हुआ? अब ज्यादा हुआ, पर अभी वो खुश है। तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें उसके कारण उसको खुद को पेन हो रहा है तो उसमें वो खुश रह सकता है। तो खुद के कारण का मतलब उसकी खुद की गलतियों के कारण उसको तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो उन तकलीफों में भी खुश रहेगा, क्योंकि वो तो उसने खुद ही फैसले लिए थे। अब ये नहीं कह सकता ना कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी तो हम बीजेपी को गालियां दें, अब वो नहीं दे सकते ना, वोट तो आप ही ने दिया था, तो वो अपने आप को गाली नहीं दे सकते। यानी अब बीजेपी की बुराई करने का मतलब है खुद अपनी बुराई कर रहा है वो, तो इसलिए जब भी समाज के सामने जाएगा तब तो बीजेपी की तारीफ ही करेगा वो, क्योंकि बीजेपी को तो उसी ने चुना हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर मन में वो बीजेपी को गालियां दे रहा होगा कि ये कर दिया सालों ने, वो कर दिया, दुखी तो हो रहा है बीजेपी से, पर बीजेपी को गाली नहीं दे सकता, वो खुश होगा सबके सामने। तो वहां जहां भी बीजेपी का बात आएगी वहां वो खुशी खुशी सबको दिखाएगा कि बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। पिंच तो हो रही है बीजेपी, समझ आएगा पेन, यानी वो पेन उसको खुद अपनी वजह से हुआ है। पॉइंट समझ आ गया? कोई दवाई खा ली, कोई तकलीफ हो गई, कुछ हो गया तो अपनी गलती से हुआ, तो फिर वो उस पेन में भी खुश है। अब फैसला नहीं, मान लो किसी ने लव मैरिज कर ली, अब लव मैरिज तो उसने अपनी मर्जी से करी, माँ बाप ने सबने कहा कि नहीं ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है या लड़का ये ठीक नहीं है वगैरह, ऐसे कुछ कहा ना उसको, तो पर उसने नहीं सुना, खुद फैसला किया ना मैं ये शादी करूंगा। अब वो थोड़े दिन बाद उसमें आपस में लड़ाइयां होना शुरू हो गई, अब वो किसी के सामने शो नहीं कर सकते कि मैं दुखी हूं, सबके सामने तो यही दिखाना पड़ेगा कि मैं तो बहुत खुश हूं। पेन होता रहेगा, तकलीफ होती रहेगी, पर शो तो नहीं कर सकती ना वो, आगे तो मतलब अपने किए हुए की फैसले की वजह से उसको जो तकलीफें हो रही है उसमें उसका खुश रहना मजबूरी समझ लो या स्वाभाविक समझ लो। तो क्योंकि इस पार्टी लिए बोल्ड होता है इसलिए अपने फैसले तो ले लेता है, बाद में जो गले पड़ते हैं तो फिर इसको दिखाने लायक ही रहता नहीं है। आया समझ? तो इसलिए न्यूरोलॉजिक पेन हो कुछ हो, पेन समझे खुश रहना ही रहेगा। अगर तेरे को कहा था तो धूप में मत जा, होगा ना सर दर्द, अब मम्मी से कह नहीं सकता ना मम्मी मेरा सर दबा दो या गोली दे दो फलाना दे दो, नहीं तो डांट पड़ेगी। अब तो नहीं कुछ नहीं ठीक है, कहाँ हुआ सर दर्द, अभी तेरा चेहरे से नहीं पता लग रहा मैं तेरी माँ हूँ, नहीं नहीं ठीक है मम्मी ठीक, आज पॉइंट ठीक नहीं है पर मम्मी को दिख रहा है ठीक नहीं है, पर क्योंकि वो खुद ही धूप में गया मम्मी ने मना करने के बावजूद भी, तो इसलिए वो दर्द के बावजूद भी खुश है, ठीक है नहीं? तो दोनों बड़े अलग अलग रूबिक हैं।